अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टॉप स्टाइलिश डिज़ाइनिंग आइडियाज़ वीडियोस, बेबी गर्ल्स के फ्रॉक के ड्रेसेस की। फ्रॉक बहुत प्यारी प्यारी हैं। आज की इस वीडियो में आपको बेबी के फ्रॉक देखने को मिलेंगे और ज़्यादा रेड कलर के फ्रॉक देखने को मिलेंगे। रेड कलर्स बेबी के पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है और आप इसके साथ कंट्रास्ट भी कर सकती हैं वाइट फैब्रिक का। अगर आप सेम वैसे ही रेड के साथ प्लेन रेड अटैच करेंगी तो भी आपका बेबी का फ्रॉक बहुत प्यारा लगेगा। और वाइट के साथ आज की इस वीडियो में आप देख सकती हैं रेड के साथ वाइट लेसिस के साथ किस तरह से बेबी का ड्रेस जो है वो प्यारा सा डिज़ाइन किया हुआ है। और आप पहना हुआ भी देख सकती हैं कि पहना हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा है। रेड कलर पर वाइट लेस बहुत अच्छी लगती है, बहुत उस पर नीटनेस आती है। आपके आज की इस वीडियो में आइडियाज़ लेकर आई हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स भी अपनी बेबी के प्यारे प्यारे से ड्रेस स्टिच करें समर में। और वैसे भी समर में बेबी के बहुत ज़्यादा ड्रेस होते हैं क्योंकि इस बेबी समर में बहुत ज़्यादा ड्रेसेस पहनती है और मौसम ही कुछ ऐसा होता है कि बेबी के बार बार ड्रेस चेंज करने पड़ते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन लेकर आई हूँ। सिंपल सी डिज़ाइनिंग भी है और टफ डिज़ाइनिंग भी है जो बहुत स्टाइलिश सी है और बेबी के पहना हुआ भी ड्रेस बहुत प्यारा लगेगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी लेकिन आप बेबी का बहुत प्यारा सा ड्रेस स्टिच कर सकती हैं या करवा सकती हैं। और यहाँ पर आप देख रही हैं कि फ्रिल के साथ बहुत प्यारी नेक पे और स्लीव्स पे डिज़ाइन किया हुआ है। इस तरह से आप फ्रिल लगाने के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं, एक ही तरह से फ्रिल नहीं लगती, मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं। मुख्तलिफ स्टाइलों से जब आप लगाती हैं तो आपका ड्रेस बेबी का बहुत प्यारा लगता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रही हैं बू बना के अटैच की हुई है और बेबी के ड्रेस पे बू बना के अटैच करें तो बेबी का ड्रेस ऐसे लगता है जैसे कि आप मार्केट से ही बाय करके लाई हैं। अपने बेबी का इसी तरह से ड्रेस आप स्टॉप स्टाइलिश सा बनाने के लिए इसके ऊपर प्यारी प्यारी सी लेसिस का इस्तेमाल किया करें और इसके ऊपर बेल्ट भी बना के लगाए जैसा कि आप यहाँ पे देख रही हैं। और स्लीव्स के ऊपर देखें डबल फ्रिल्स लगाई हुई है, डबल फ्रिल्स लगाने से भी स्लीव्स जो है बहुत स्टाइलिश से लग रहे हैं। आज की कलेक्शन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि न्यू आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और यहाँ पर भी देखें बस प्लेन वाइट है लेकिन वाइट के ऊपर वाइट ही लेस का कंट्रास्ट किया हुआ है और लेकिन वो जो बना के लगाई है वो बहुत ही प्यारी लग रही है और कलर्स की है। आप इस तरह से कलर्स कंट्रास्ट करके अटैच करें। अगर आप रिबन की बनाना चाहती हैं तो रिबन की भी बना सकती हैं, अगर आप फैब्रिक की बनाना चाहती हैं तो फैब्रिक की भी बना सकती हैं। और आज की इस वीडियो में आपको तमाम ही ट्यूटोरियल्स लेकर आई हूँ। एक तरह की ड्रेस की डिज़ाइन नहीं है, मुख्तलिफ डिज़ाइन है और ऐसे ड्रेसेस जो होते हैं बेबी फंक्शन पर भी पहन सकती है, ईद पर भी पहन सकती है। तो आज की कलेक्शन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप देखें बेबी का बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा है, इस तरह से डबल शर्ट वाला ड्रेस फ्रॉक के ऊपर शॉर्ट शर्ट सी आप स्टिच करें, ऐसे ड्रेस बेबी के पहने में बहुत प्यारे लगते हैं। अपनी बेबी को खुश करने के लिए उसके प्यारे प्यारे से ड्रेस स्टिच किया करें ताकि आपकी बेबी बहुत प्यारी लगे और वो बहुत खुश हो। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेबी बस बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा है, इस तरह से आप कंट्रास्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में आपको तमाम आइडियाज़ लिख रही हूँ, आई होप आपको भी पसंद आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें और लास्ट तक वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहा करें। अल्लाह हाफिज़।